हेलो दोस्तों, आज हम रोचक फैक्ट्स के माध्यम से दीपावली का संपूर्ण महत्व कब क्यों के बारे में बात करेंगे। दिवाली या लोकप्रिय रूप से दीपावली के नाम से जाना जाने वाला भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिवाली दुनिया भर में रोशनी का प्रतीक, चमकदार प्रदर्शन, प्रार्थना और जश्न मनाए जाने वाला भारतीय त्यौहार है। दीपावली निश्चित तौर पर भारत में मनाया जाता है। यह सबसे बड़ा हिंदू त्यौहार है। दीपावली को दीप के रूप में आकार दिया जा सकता है, जिसका मतलब है प्रकाश और बल, जिसका मतलब है पंक्ति अर्थात रोशनी की एक पंक्ति। दीपावली का त्यौहार 4 दिनों के समारोहों से चिन्हित होता है, जो अपनी प्रतिभा के साथ देश को रोशन करता है और हर किसी को अपनी खुशी के साथ चकाचौंध करता है। 4 दिवसीय उत्सव को विभिन्न परंपराओं से चिन्हित किया गया है, लेकिन जीवन का उत्सव उत्साह, आनंद और भलाई स्थिर रहती है। दिवाली को इसके आध्यात्मिक महत्व के लिए मनाया जाता है, जो अंधेरे पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई, अज्ञानता पर ज्ञान की, निराशा पर आशा का प्रतीक है। दीपावली हर भारतीय परिवार में मनाई जाती है। दिवाली का जश्न 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग त्यौहार होते हैं। यह माना जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या पहुँचे थे, तब पूरे शहर को हजारों तेल के दीपकों, दिया को जलाकर उनका स्वागत किया गया था। पूरी अयोध्या को फूलों और सुंदर रंगोली से सजाया गया था। तब से दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। भगवान राम को अपने घरों में स्वागत करने के लिए लोग तेल के लैंप के साथ सजावट करते हैं। यही कारण है कि इस त्यौहार को दीपावली भी कहा जाता है। तेल के दियों की परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग अपने घरों के प्रवेश द्वार पर सुंदर रंगोली और पादुका पदलेखा चित्रण करते हैं, देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। दिवाली के त्यौहार को मनाने के लिए लोग दोस्तों, रिश्तेदार और पड़ोसियों को मिठाई और फल बांटते हैं। दिवाली का जश्न 5 दिनों की अवधि में फैला हुआ है, जिसमें प्रत्येक दिन अपना महत्व है और जिसमें परंपरागत अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। जश्न धनतेरस के साथ आरंभ होता है। यह वह दिन है जिस पर्व पर लोग बर्तन, चांदी के बर्तन या सोना खरीदते हैं। यह माना जाता है कि नए धन या कीमती वस्तु की खरीदारी शुभ है। इसके बाद छोटी दिवाली आती है, जिसमें बड़ी दिवाली की तैयारी होती है। लोग अपने घरों को सजाने की शुरुआत करते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है। वर्ष 2018 में बड़ी दिवाली 7 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन को लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, मिठाई और उपहार के साथ एक दूसरे के घर जाते हैं, पटाखे जलाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है और अंततः 5वां दिवसीय उत्सव भाई दूज के साथ समाप्त होता है, जहां बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और भाई बहन एक दूसरे की भलाई के प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।